तो कसौल की कहानी शुरू करें। कहानी शुरू होती है मनाली बस अड्डे से, और आज हमें कैसे भी करके कसौल निकलना है। पर समस्या ये है कि सभी बसों का समय कुछ ऐसा है कि वो कसौल हमें समय से नहीं पहुंचा सकते। तो समय की दिक्कत को देखते हुए हमने सोचा, इतना खर्चा हो गया मालिक, तो थोड़ा और ही सही, ऑल्टो कर लें। बस फिर क्या, नाश्ता किया और निकल गए कसौल के लिए। मनाली में ये दो दिन हमारे लिए बहुत खास थे, और यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था। और मानो ये पहाड़ भी हमसे कह रहे हों, बस रुक जाओ, पर जाएंगे तभी तो वापस आएंगे। इस ट्रिप पे सारी चीज़ें अनप्लैंड थी, और मनाली से निकलते वक्त इस कहानी के इस किरदार ने एक्टिविटी के नाम पे हमें राफ्टिंग के लिए कन्विंस कर ही लिया। और अगर तुम्हें लहरों से डर नहीं लगता है तो भाई रुको, यहाँ पानी तेज नहीं ठंडा है। जाओ थोड़ा आगे तक जाओ प्लीज, बस बस भैया, मेरी साइड फेस भैया करो, ये ज्यादा आगे नहीं भैया, ज्यादा आगे नहीं, ज्यादा आगे नहीं भैया, ज्यादा आगे नहीं। ओ भैया रस्सी को रस्सी। ओके अरुण भैया, थैंक यू। ओके वेलकम ब्रो, वेलकम, नेक्स्ट टाइम वेलकम, कभी भी आओ आप। ठीक है भैया ना। ओके ब्रो, हां थैंक यू। राफ्टिंग का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था, तुम्हें कभी मौका मिले तो छोड़ना मत। कसौल पहुंचते हमें शाम हो गई, और कसौल की हवा में नशा क्यों है ये इस जैगवार वाले ने हमें अच्छे से समझा दिया। देखो कसौल आया हो तो कमरा देख के लेना, और आपने अगर कमरा कसौल के आउटस्कर्ट्स में लिया है तो भाई आप अपने और अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो दिन हमारा ट्रेडिशनल खाने के साथ कसौल में यही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट डे का हम लोग का प्लान था कि फेमस गुरुद्वारा जाएंगे, कैफेज एक्सप्लोर करेंगे और कसौल घूमेंगे, बट फिर याद आता है नदी भी तो पार करनी है। डोगरा को भी लेके जाना है, उसको भी लेके जाना है। सीन कुछ ऐसे हैं, अभी हम जाएंगे, ये राहुल है। जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। भाई ये मैनुअल वाला है और इधर ये ऑटोमेटिक वाला है, ये मोटर चलती है और ये नॉर्मल वाला है, वो उस पर चार्ज लगता है, ये फ्री है। बट इसमें भाई मैन पावर ज़्यादा लग रहा है, मेरे ख्याल से ना सोलो जाने में ज़्यादा बेटर है ना? सोलो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। हाँ सुनो, इनके जाने के बाद झूला आया ही नहीं क्योंकि रस्सी दूसरे साइड फंस गई, पर हम भी जिद्दी थे, दूसरे झूले से पार हो ही गए। पुल क्रॉस करके हम लोग दूसरे साइड तक पहुंच गए, पर हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि बस हाथ आगे बढ़ाया, ऑल्टो रोकी और जो पैसे उसने बोले बस दे दिया। और मणिकरण आने का मेन रीज़न था यहाँ के गर्म पानी का कुंड, जो सच में तुम्हें अंदर से हील कर देगा, सच में। तो बस फिर क्या था, गुरुद्वारा के गर्म पानी में नहाया और बैठ गए लंगर खाने, और जिस सुकून की तलाश में हम यहाँ आए थे वो भी मिल गया। गुरुद्वारा से निकलते वक्त हमें पता नहीं था कि हमें वापस जाने के लिए गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, और बस का वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि और भी जगह थी जाने को। तो अब बस रास्ता सिर्फ एक ही है, 15-20 किलोमीटर की पदयात्रा।
एक घंटा चलने के बाद हम लोग पहुँचते हैं कसौल मार्केट। कुछ देर मार्केट घूमते हैं, मीठा खाते हैं और यहाँ का लोकल फूड सिड्डू ट्राई करते हैं। वैसे बताना भूल गया, होटल हमारा 3 किलोमीटर दूर और है, पर कसौल की पॉजिटिव वाइब्स हमको मंजिल तक पहुँचा ही देंगे। तो ये वही चीज़ है जिसके लिए कसौल फेमस है भाई। अभी तो अपन जा रहे हैं अपने रूम वापस। आज के प्लान में था कि हम कैफेज एक्सप्लोर करेंगे, पर सूरज ढलने के बाद, क्योंकि यहाँ की रातें बहुत रंगीन हैं। और बज रहे 9:30, तो अभी प्लान ये है कि अभी जाएंगे ATS कैफे एक्सप्लोर करेंगे और रिवर साइड। वो वैसे सुबह भी कर सकते थे, बट अब सुबह तो वहाँ हो गया, गुरुद्वारा चले गए, तो फिलहाल अभी सीन है कि वही करेंगे। वैसे सच में कसौल की रातें रंगीन तो हैं। इधर डाल दूँ, उधर नहीं खा गया, नहीं खाया, सीन हो गया भाई। अरे हमारे यहाँ खाते हैं भाई, बैठ गया। और यहाँ रात में होटल का रास्ता ढूंढना एक अलग चैलेंज है। भर रही है शायद, उल्टा उल्टा मत लेके जाना। तो आज आखिरी दिन है हमारा कसौल में। कसौल जहाँ नदियाँ सदियों पुरानी किस्से सुनाती हैं और पर्वत शांति के शाश्वत प्रहरी बन खड़े हैं। इन वादियों की खामोशी में हमें स्पष्टता मिलती है, इन जंगलों की स्थिरता में हम खुद को पाते हैं। कसौल जहाँ आत्मा आज़ाद है, मन शांत है और दिल ब्रह्मांड के लय के साथ धड़कता है। तो इट्स टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस। और ऑलमोस्ट हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं, बस कैब आएगी और हम लोग को ट्रिप करके उस साइड जाना है। वहाँ से हम लोग ऐसे ट्रिप करके वहाँ जाना है, वहाँ पे हम लोग को अपनी कैब मिलेगी, फिर हम लोग चले जाएंगे कसौल से घर वापस। दे दे, लाइट हो जाएगा। ठीक है, चले, ठीक है, चलो, बाय बाय बाय। तो इस पुल के टूट जाने से एक लड़की यहाँ डूब गई थी। तो भाई जब भी तुम ऐसी जगह पे आओ, अपनी सेफ्टी खुद रखना। शाम को यहाँ कोई बड़ी सी पार्टी थी, पर हम लोग को तो जाना था, तो हम लोग ने थोड़ी सी मस्ती की और निकल गए बुंदर के लिए। बुंदर घूमने का हमारा कोई प्लान नहीं था, पर जो बात मैंने शुरू में कही थी कि पहुंचे तो पहुंचे, नहीं पहुंचे तो जहां पहुंचे वहां घूम लिए, वो बात भाई यहां एग्जीक्यूट हो गई। पूछ के देखेंगे। वैसे घूमा कहीं नहीं, बस नाश्ता किया, लोकल मार्केट एक्सप्लोर किए और बस शाम ढल गई। तो बादलों को देख के एक शायरी याद आई, मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ जिनका मैंने पीछा करना होता है। आवश्यक समय पर हमारे कैप्टन से संपर्क करें। इन पहाड़ों को आखिरी वाला गुड बाय बोल के हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए। नेक्स्ट डे दिल्ली में हमारा स्टे था, तो उस दिन हम लोग वहाँ दिन भर सोए और अगले दिन की ट्रेन पकड़ के हम लोग वापस निकल गए घर। इस ट्रिप में बहुत सारी चीज़ें अनप्लैंड थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हुई, पर ये 3-4 दिन जो इन पहाड़ों के साथ बिताए भाई, सब पैसा वसूल था। और अगर तुम मुझसे पूछो मनाली या कसौल, तो भाई कसौल मेरा लॉक कर देना। तो हिमाचल की स्टोरी यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की प्लान करें कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाय।